नेहा कक्कर एक ऐसी इंडियन सिंगर है जिन्हें स्टार्टिंग में एज अ कंटेस्टेंट एक रियलिटी शो ने रिजेक्ट किया था। नेहा कक्कर, तेरी एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार, क्या हो गया तेरे को? बट आज के टाइम पे वो वहां की जज बन चुकी है और आज के टाइम पे नेहा कक्कर की पॉपुलैरिटी किसी भी एक्ट्रेस से कम नहीं है। नेहा ने आज तक अपने करियर में 150 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स गाए हैं और इंस्टाग्राम मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी की लिस्ट में ये 8th नंबर पे आती है और एज ए इंडियन सिंगर ये तो टॉप पे बैठी है और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में भी एज अ सिंगर ये इंडिया में नंबर 1 है। और एक वक्त पर इनके काफ़ी ज़रा नए सॉन्ग्स रिलीज हुआ करते थे और वो सॉन्ग्स काफ़ी ज़रा ट्रेंड भी करते थे, बट आज के टाइम पे ना तो इनके ज़रा सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, यहाँ तक कि नेहा सिर्फ हमें रियलिटी शोज में और रील्स में ही दिखाई देती है। अब ऐसा लगता है कि नेहा प्रॉपर सेलिब्रिटी बन चुकी है। अरे सिंगिंग तो वो कभी कभार साइड में कर लेती है, यानी जितना नेहा पहले सिंगिंग को लेके एक्साइटेड थी उतना अब नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या हमें फिर से नेहा का दौर देखने को मिलेगा जिसने नेहा कक्कर को इतना पॉपुलर बना दिया, जहां नेहा के सॉन्ग्स एक के बाद एक हिट हुआ करते थे और नेहा के सॉन्ग्स की एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा होती थी पब्लिक में, या फिर नेहा अब सिंगिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी? सबसे पहले हम जानेंगे आखिर नेहा कक्कर है कौन। नेहा कक्कर का पूरा नाम है नेहा कक्कर सिंह और ये एक इंडियन सिंगर है। 6 जून 1998 ये वो डेट थी जहां उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेहा जन्मी थी। लेकिन अर्ली 90s में ही नेहा की फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। उनकी फैमिली चाहती थी कि वो सिंगिंग में अपना लक अजमाए। नेहा छोटी बहन थी टोनी कक्कर और सोनू कक्कर की। ये तीनों ही भाई बहन सिंगर थे और नेहा ने तो सिर्फ 4 साल की उम्र से ही सिंगिंग करना शुरू कर दिया था, जहां 2005 में वो जगराते या फिर रिलीजियस इवेंट्स में गाया करती थी। और इसी सिंगिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए 2004 में टोनी कक्कर और नेहा कक्कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और नेहा इंडियन आइडल के सीजन 2 में पार्टिसिपेट भी करती है। नेहा का बॉलीवुड में डेब्यू एज अ कोरस सिंगर हुआ था, जहां उनकी पहली मूवी थी मीराबाई नोट आउट, लेकिन उन्हें असली पहचान अपने सॉन्ग सेकेंड एंड जवानी से मिली, जो कि कॉकटेल मूवी के साथ रिलीज हुआ था। फिर 2014 में लंदन थुमकता ट्रैक आया जो कि क्वीन मूवी से था। उसके बाद नेहा कक्कर कई सारी म्यूजिक वीडियोस में अपेयर होने लगी और साथ ही कई सारे रियलिटी शोज को भी जज करने लगी और जहां स्टार्टिंग में उन्हें रिजेक्ट किया था एज अ कंटेस्टेंट, आज वो वहां की जज बन गई। इसके बाद नेहा के कई सारे पॉपुलर सॉन्ग्स भी रिलीज हुए जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी वाइड हो गई। योयो हनी सिंह के साथ यारिया या फिर मनाली ट्रेंस, बादशाह के साथ कर गई चुल, टोनी के साथ मिले हो तुम हमको, ये सॉन्ग यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज के साथ नेहा के करियर का सबसे बड़ा सॉन्ग बन गया। काला चश्मा, ए आर रहमान के साथ सॉन्ग, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, चीज बड़ी, दिलबर, आंख मारे, कोका कोला, ओ साकी, गर्मी, लैम्बर्गिनी, नेहा के ये सभी सॉन्ग सुपर हिट है। बट मुझे तो नेहा के करियर के ये वाले सॉन्ग्स बेस्ट लगते हैं जो उन्होंने देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ गाए थे। ख्याल रखिया कर, दिल को करार आया, कुछ दाई नहीं, नेहू दा व्याह, गोवा बिच, डायमंड दा छल्ला, वाह वही वाह, सॉरी, दो गल्ला, डेली डेली, कल्ला सोना, ये सॉन्ग ऐसे थे जिसने नेहा की पॉपुलैरिटी को सभी एज ग्रुप में एक्सपेंड किया और नेहा कंपटीशन से बाहर इन्हीं सॉन्ग्स की वजह से हुई। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये सॉन्ग्स डायरेक्टली वैसे थे जो कि इंस्टा रील पे वायरल होने वाले थे, जिसने नेहा को रील कल्चर का सुपरस्टार बना दिया और वो वैसे ही यूथ आइकन बन गई। बट आज के टाइम पे नेहा का करियर किस जगह पे है ये समझना काफी मुश्किल है। क्या नेहा अभी सिंगर है या फिर एक्टर या फिर जज या फिर सोशल मीडिया स्टार, क्योंकि वो इस टाइम पे अपनी सिंगिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। नेहा का लास्ट बड़ा सॉन्ग कौन सा था? बेहनिया, वो तो रिमिक्स था फीमेल वर्जन, या फिर होली होली, वो तो मूवी का सॉन्ग था और बस नेहा ने प्लेबैक सिंगिंग करी थी, वो स्पेशली नेहा का सॉन्ग नहीं था। नेहा ने उलझ मूवी में भी प्लेबैक सिंगिंग करी थी, नेहा ने कोक स्टूडियो के साथ भी गाना किया और टोनी के साथ भी कई सारे गाने किए और उसके अलावा भी कई सारे सिंगल्स आए, बट कोई भी बड़ा हिट नहीं हो पाया। नेहा का लास्ट बिग सॉन्ग 2023 में आया था काली गड्डी, जो कि यशराज के साथ था और उस गाने में रोहनप्रीत भी थे। फिर बुहे विच बड़ा हिट रहा और काफी अच्छा सॉन्ग भी था। इसके साथ साथ ये वाले सॉन्ग्स भी काफी अच्छे परफॉर्म किए, जमुना पार, बेलेंसियागा, गम खुशियां, बिजली, पारा लड़के, सजना, बारिश में तुम। बट करेंट टाइम में नेहा ने कोई भी बड़ा हिट नहीं दिया है और ये नेहा के स्टारडम से काफी अलग है। नेहा की सिचुएशन को देख के यही लगता है कि उनका करियर स्लो हो चुका है या फिर नेहा सिंगिंग को लेके इतनी ज्यादा पैशनेट नहीं रही। नेहा के करियर में हमने वो समय भी देखा है कि जहां नेहा के सॉन्ग्स रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में आ जाया करते थे। 12 लड़के, टोनी कक्कर का ये वाला सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रोल हुआ बट पॉपुलर भी हुआ।
नेहा के करियर के लास्ट सबसे बड़े सॉन्ग्स तारों के शहर में और सयाजी थे, जो काफी पॉपुलर हुए और जिन्होंने 500 मिलियन व्यूज भी क्रॉस किए। और उससे पहले बड़ा सॉन्ग निकले करंट था, जो कि जैसे गिल के साथ था, जिसने 900 मिलियन व्यूज क्रॉस किए। और देसी म्यूजिक पे तो नेहा के सॉन्ग्स रिलीज होते ही वायरल हो जाते थे। दिल को करार आया, कांटा लगा, गोवा वाली बीच, दो गल्ला, नेहुदा व्या, मुड़ मुड़ के, मर जानिया, ख्याल रखिया कर। बट अब नेहा के सॉन्ग्स इतने बस क्रिएट नहीं कर पाते। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता होगा इस टाइम पे नेहा का कौन सा सॉन्ग रिलीज हुआ है। पहले हमने नेहा को उनकी सिंगिंग और उनके सॉन्ग्स के थ्रू इंस्टाग्राम और अदर रियलिटी शोज में देखा, और उस समय उनका भी फोकस अपनी सिंगिंग पे ही था। बट अब उनका फोकस डायरेक्टली सिंगिंग से हटकर रियलिटी शोज और सोशल मीडिया पर आ चुका है, इसीलिए अब हम उन्हें उनके सॉन्ग्स से ज्यादा तो अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। और वैसे भी नेहा सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों ना रहे, आखिर वो इंस्टाग्राम पे वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड इंडियन सिंगर जो है, और यही रैंक उन्होंने यूट्यूब पे भी मेंटेन रखी हुई है। वो पहली इंडियन सिंगर थी जिन्हें यूट्यूब का डायमंड प्ले बटन मिला था। बट सवाल ये आता है, आखिर नेहा कक्कर इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कैसे, और बस नेहा ही क्यों? तो फर्स्टली नेहा ने काफी जल्दी अपना डेब्यूट कर लिया था, और उनका प्लस पॉइंट था उनकी यूनिक सिंगिंग अप्रोच और उनके यूनिक वोकल्स, जो सभी को आसानी से पसंद आ गए। और नेहा की इसी स्पेशलिटी के लिए नेहा को अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका भी मिला, जैसे कि हनी सिंह ने नेहा को खुद अप्रोच किया था कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वॉइस काफी यूनिक थी और हनी सिंह के सॉन्ग्स के लिए उनकी वॉइस परफेक्ट थी। और तुमने ये नोटिस किया होगा, हनी सिंह और नेहा कक्कर का कोलैबोरेशन एवरी टाइम सुपर हिट रहा है, और नेहा ने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के सभी टॉप आर्टिस्ट के साथ काम भी किया है। अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, जानी, जस्सी गिल, मनिंदर भुट्टर, कनिष्क बाची, गुरु रंधावा, योयो पाजी, बादशाह, परमेश वर्मा। नेहा ने म्यूजिक एल्बम्स भी करी है, नेहा ने मूवीज के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी करी है, और साथ ही नेहा ने सिंगल म्यूजिक वीडियोस भी करी है। नेहा इंडस्ट्री में एक यूनिक आर्टिस्ट बन गई। नेहा वो सिंगर है जो अरिजीत सिंह के साथ भी गाना गा सकती है और योयो हनी सिंह के साथ भी। और नेहा की वर्सटाइलिटी को समझाने के लिए ये लाइन काफी है, नेहा टोनी कक्कर के साथ भी काम कर सकती है, और नेहा टिकटॉक स्टार्स के साथ भी काम कर सकती है, और नेहा को सुपरस्टार वाली पर्सनालिटी इन्हीं एक्टर्स और इन्हीं टिकटॉकर्स के साथ काम करके मिली है। अगर नेहा ऐसा नहीं करती तो वो भी एक मामूली सी सिंगर बन के रह जाती। नेहा में एटीट्यूड नहीं है, नेहा ने फिल्मों में एक्टर्स के लिए भी गाने गाए हैं और म्यूजिक वीडियोस में टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी गाने गाए हैं, जिससे हर तरह की ऑडियंस के पास उनकी रीच एज ए स्टार पहुंच गई। और एज अ सिंगर तो नेहा स्टार्टिंग से ही पॉपुलर थी। नेहा ने सभी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन किया, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा शायद वो कर नहीं पा रही है। देसी म्यूजिक पर नेहा का आपको एक अलग वर्जन देखने को मिलेगा। वहाँ के सॉन्ग स्पेशली यंग ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ही होते हैं, और यही सॉन्ग रील कल्चर में काफी जरा पॉपुलर भी होते हैं। और ये सभी एक ही बंदे की वजह से हुआ, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेहा के करियर को बूस्ट भी उसी बंदे ने किया, और वो बंदा है टोनी कक्कर। नेहा के करियर का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग मिले हो तुम हमको टोनी कक्कर ने बनाया, इसके साथ साथ ओ हम सफर, खुदा भी जब, कांटा लगा, गोवा वाली बीच, शोना शोना, कोको कोला, माही वे, और इसके साथ साथ कई सारे सुपरहिट सॉन्ग्स। कि टोनी कक्कर एक कंप्लीट आर्टिस्ट है, उस बंदे को सब कुछ आता है, चाहे सिंगिंग करना हो, चाहे लिरिक्स लिखना हो, या फिर म्यूजिक बनाना हो। यहाँ तक इस बंदे ने कई सारी वीडियोस भी एडिट करी है। और नेहा के ट्रेंडिंग में रहने का एक ये भी रीजन था, नेहा जब भी देसी म्यूजिक के साथ काम करती थी तब उनकी म्यूजिक वीडियोस में वो एक्टर्स होते थे या फिर वो इन्फ्लुएंसर्स होते थे जो उस समय पॉपुलर चल रहे होते थे, चाहे वो बिग बॉस के पार्टिसिपेंट्स हो या फिर किसी और रियलिटी शोज के। ये समझ लो देसी म्यूजिक फैक्ट्री तो इनकी घर की ही कंपनी थी, जहां आपको 70% सॉन्ग्स नेहा और टोनी कक्कर के ही मिलेंगे। बट अब ऐसा नहीं होता। नेहा का देसी म्यूजिक फैक्ट्री पे लास्ट सॉन्ग 2 साल पहले आया था, और देसी म्यूजिक के साथ ही नेहा का सक्सेस रेट भी ज्यादा होता था। शायद इसीलिए नेहा की सिंगिंग जर्नी इफेक्ट हुई है, क्योंकि नेहा का कनेक्शन देसी म्यूजिक फैक्ट्री से टूट गया है। और देसी म्यूजिक फैक्ट्री वो कंपनी है जो कि सिर्फ ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही सॉन्ग्स बनाती थी, और उनके जैसे सॉन्ग्स कोई बनाता भी नहीं था। वहां पे आपको लिमिटेड सॉन्ग्स ही देखने को मिलेंगे, सो इसीलिए पब्लिक की डिमांड नेहा से उसी तरीके के सॉन्ग्स की है। बट नेहा आप फिल्मों में रिटर्न कर रही है, लेकिन इसकी वजह से नेहा के हमें इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स कम देखने को मिलेंगे, और इसका चांस काफी कम है कि उनकी क्वालिटीज पहले जैसी हो। नेहा के साथ अब वो टीम भी नहीं है जो पहले उनके साथ काम करती थी। मैं चाहता हूँ नेहा फिर से उनके साथ काम करे। जानी, अखिल, यजर देसाई, परमेश वर्मा, मनिंदर भुट्टर और जैसी गिल के साथ काम करे। ये जोड़ी हमेशा से ही बवाल, और साथ ही साथ
नेहा हनी सिंह के साथ भी फिर से काम करे और फिर से नेहा या पिया की आने लगी जैसे सॉन्ग्स बनाए और उन्हें रिमिक्स करें, क्योंकि नेहा को कंपटीशन से बाहर इसी तरीके की कैटेगरीज ने निकाला था और उन्हें एक यूनिक अप्रोच मिली थी। नहीं तो नेहा एज अ प्लेबैक सिंगर ही इंडस्ट्री में रहती तो उन्हें श्रेया घोषाल, नीति मोहन और भी कई सारे लेजेंडरी सिंगर से कॉम्पीट करना पड़ता और शायद ही वो कभी इतना पॉपुलर भी हो पाती। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नेहा इन रियलिटी शोज को ब्रेक दे अब और अपने सॉन्ग्स की क्वालिटी पर फोकस करे। आई वॉन्ट नेहा कक्कर एरा विद यो यो हनी सिंह पाजी, बस एक बार ये गोले फिर से आ जाए। और रियली देसी म्यूजिक फैक्ट्री नेहा के घर की ही कंपनी है क्योंकि इसके ओनर अंशुल गर्ग है और टोनी कक्कर इसके को फाउंडर भी है जिन्होंने 2014 में इसे स्टार्ट किया था। बस नेहा को थोड़ा सा अपनी सेलिब्रिटी फिगर को साइड में रख के अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। नेहा फिर से अपने ट्रैक पे वापस आ जाएगी। सो ये थी नेहा कक्कर की पूरी जर्नी। मैं और भी कई सारी वीडियोस बनाना चाहता हूँ जिस मानक पर, टोनी कक्कर पे, अतीब असलम पर। सो अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी वीडियो देखना है। सो यहाँ पे होती है वीडियो एंड। अगर कोई भी गलती हो तो माफ करना ताकि मैं उसे सही कर सकूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।